आओ जी, आज हम करने जा रहे हैं रिजर्व्स। क्या, किसकी बात करने जा रहे हैं? रिजर्व्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की बात करने जा रहे हैं। शुरू करें क्वेश्चन आज का। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हम लोग। आओ जी रीड करें क्वेश्चन, क्या कहता है बुक से। कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर एक फॉर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। जेड रिटायर हो गया फॉर्म से 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है। उस टाइम पर जनरल रिजर्व पड़ा था 1,80,000 का। पीएनएल का डेबिट बैलेंस था, माय लॉर्ड अंडरलाइन किया जाए, पीएनएल का डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस किसके होते हैं? लॉसेस के होते हैं, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000 का था। जी पीएनएल डेबिट बैलेंस किसका होता है? लॉसेस का होता है, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24,000 रुपए गिवन है। नो मोर रिक्वायर्ड, नो मोर रिक्वायर्ड का मतलब है कि और कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड 20,000 है। सर ये तो हमें चकमा देने के लिए दिया हुआ है। इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड जो होता है वो लायबिलिटी होती है, वो कभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्या कह रहा है? पास द जनरल एंट्रीज, एस है, एंट्रीज है फॉर एडजस्टमेंट These items on the time of retirement of Z, ठीक है जी। हमें पता है पुराने जितने भी reserves या losses पड़े होंगे वो firm अपने पुराने partners की पुरानी profit sharing ratio में बांट कर खत्म कर देगी। पुराने partners की पुरानी profit sharing ratio में बांट कर खत्म कर देगी। तो सबसे पहले क्या पड़ा है हमारे पास? सबसे पहले बात बताओ XYZ की ratio क्या है। सर XYZ की ratio 3:2:1 है। सबसे पहले हमारे पास general reserve पड़ा है। सर जनरल रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और खत्म करने के लिए क्या करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। कितना पड़ा है बताना जनरल रिजर्व हमारे पास? 1,80,000। 1,80,000 को किस में बांटेंगे? ओल्ड पीएसआर में 3:2:1 में। तो करो 6 से कितना आ गया? 30,000, 60,000 और 90,000 बताओ। ठीक है कि गलत है? बच्चे कह रहे ठीक है सर। जनरल रिजर्व को बांटा, रिजर्व्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट है। फिर इसी रिजर्व को उठा के हमने पार्टनर्स में बांट दिया। जब हम रिजर्व्स पार्टनर्स को देंगे तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगा, और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। सर डेबिट बैलेंस तो लॉस है, और लॉस को राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल कम होंगे, कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करेंगे। तो एक्स कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू पीएनएल डेबिट वाला बैलेंस। कितना है डेबिट वाला बैलेंस बेटा? 30,000 रुपए। और कैसे कैसे बटेगा? वही 3:2:1 में। तो 5, 10 और 15,000। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट बेटा यहां तक? कोई डाउट है किसी को? क्या फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्लियर है? यहां तक थर्ड पे आओ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी रिजर्व है जिसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है। वैसे ये स्पेसिफिक रिजर्व होता है पर इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इसे खत्म कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। कितना है बताना? सर वो 24,000 रुपए है। 24,000 को 6 से डिवाइड करो तो 4,000, 8,000 और 12,000 बांट दिया जी। क्या तीनों एंट्रीज में किसी को डाउट है क्या बेटा? क्या हम आगे चल सकते हैं इसमें? पक्का चले? आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या कहते हैं? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। ये कहता है आशा, नवीन एंड शालिनी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। गुडविल अपीयर इन द बुक्स इज वैल्यू 80,000। गुडविल कितनी अपीयर हो रही है बुक्स में बेटा बताओ? 80,000 पुरानी गुडविल। कूड़ा है जी, कूड़ा। जनरल रिजर्व 40 का है, नवीन रिटायर हो रहा है फर्म से, और उस टाइम पर गुडविल को वैल्यू किया जा रहा है 1,20,000। न्यू पीएसआर 2:3 होगी, ठीक है जी, कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कौन कौन है? जनरल एंट्रीज करनी है ना, कर देंगे। पहले बताओ पार्टनर कौन कौन है? आशा, नवीन और शालिनी। अच्छा, इनकी ओल्ड पीएसआर क्या है? 5:3:2। इनकी न्यू पीएसआर क्या है? 2:0:3। ये तो रिटायर हो गया, 2:0:3। ठीक है जी, हम समझ गए।
अच्छा पहले क्या करना है, पहले क्या पड़ा है हमारे पास बताओ? कूड़ा पड़ा है, कूड़ा। ओल्ड गुडविल पड़ी है, कितने की पड़ी है ओल्ड गुडविल? 80,000 की। तो एंट्री क्या होगी? ए डेबिट, आप पूरा तमीज से लिखना। एन डेबिट, एस डेबिट, आप पूरा लिखना। आप पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज, नरेशन, आप सब कुछ करोगे। मैं सिर्फ आपको रफली करके दिखा रहा हूं, बाकी आप पूरा फॉर्मेट से और तमीज से करोगे। ए डेबिट, एन डेबिट, एस डेबिट, टू किसको फेंक दिया? पुरानी गुडविल को। कितनी थी? तो इसको ओल्ड PSR क्या है? 5:3:2। तो इसको देंगे 40,000 और इसे देंगे 24,000 और इसको देंगे 16,000 का लॉस। बोलो इतनी बात समझ आती है? फिर क्या पड़ा है हमारे पास बेटा? जनरल रिजर्व 40,000 पड़ा है। तो जनरल रिजर्व तो प्रॉफिट का पार्ट है, खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। और जनरल रिजर्व बांटने से कैपिटल बढ़ेंगे, बढ़ाने के लिए क्या करोगे? टू एस कैपिटल, टू एनस कैपिटल और टू एस कैपिटल। कितना कितना, कितने का पड़ा जनरल रिजर्व बोलो? 40,000 का जनरल रिजर्व पड़ा है बेटा। तो जनरल रिजर्व बांट दो। कैसे बांटोगे? 20,000, 12,000 और 8,000। बैठ गया जी, दो एंट्री हो गई। अब तीसरी एंट्री करते हैं। तीसरी एंट्री वो कह रहा है, जब वो हुआ, जब पार्टनर रिटायर हुआ तो गुडविल को वैल्यू किया गया 1:20 में। सर बहुत ही आसान है, मतलब फर्म की गुडविल 1:20 है, ठीक है जी। पार्टनर कौन कौन है? ए, एन, एस। मैंने आपको कहा था ना क्रेडिट किस में होगी? ओल्ड PSR में, 5:3:2 में। तो बताना 1:20 को डिवाइड करो 10 से, तो 60, 36, 24 कर लिया ना बेटा। 1:20 को 10 से डिवाइड करो तो 12,000, 12 5 60, 12 3 36, 12 2 24। फिर डेबिट कर दो किसमें? न्यू PSR में। वो कितनी है? 2:0:3। तो 1:20 को 5 से डिवाइड करो, 24, 24 2 48 और 24 3 72। 60 में से 48 गए तो 12,000 क्या करना है? क्रेडिट। 36,000 क्या करना है? डेबिट। और ये कितना हो गया? 36,000, हाँ 36,000 तो क्रेडिट करना है। और वहां से करना, वो देखना 72 ही बन रहा है। 1:20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 72 माइनस 24, 48 आ गया। 48 क्या करना है? डेबिट। इसका मतलब ये जो ए है ना, ए एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये भी बेचारा गेन नहीं कर रहा, सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले 50% का मालिक होता था, अब ये 40% का ही मालिक है सिर्फ। देख रहे हो 2:3, मतलब 40% का मालिक है, तभी इसको गुडविल का पैसा मिल रहा है। तो कौन डेबिट होगा? एस कैपिटल डेबिट 48,000, टू एस कैपिटल और टू एनस कैपिटल 12,000 और 36,000। कोई डाउट इसमें बेटा? 1, 2, 3 एंट्रीज में किसी को डाउट है? यहां तो कोई डाउट? आओ जी, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या कहते हैं? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं राम लक्ष्मण एंड भरत, राम लक्ष्मण एंड भरत तीन पार्टनर है, 3:2:1 के। गुडविल अपियर हो रही है बुक्स के अंदर 180 की। लक्ष्मण रिटायर हो रहा है फर्म से, उस टाइम पर गुडविल को वैल्यू किया जा रहा है 252, ठीक है। राम और भरत ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में अपनी PSR क्या कर लेंगे? 2:1। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द लक्ष्मण, प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 1,20,000, गिव द जनरल एंट्रीज, ठीक है जी। बहुत आसान है। कौन कौन पार्टनर है बताना बेटा? जनरल एंट्री कर लेंगे इधर, राम लक्ष्मण भरत। ओल्ड PSR क्या है? 3:2:1, ठीक है जी। और न्यू क्या है? 2:0:1। इसका लक्ष्मण रिटायर हो गया। आगे क्या क्या पड़ा है हमारे पास? हाँ, गुडविल अपियर हो रही है 1:80 की। तो ओल्ड गुडविल कितनी है? 1:80। और न्यू गुडविल कितनी? 252। और फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर लक्ष्मण रिटायरमेंट कितना? 1:20, ठीक है जी। कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? ओल्ड गुडविल तो बहुत आसान है, कूड़ा होती है, राइट ऑफ करनी है। किसमें करोगे? ओल्ड PSR में। इसको तो ओल्ड PSR में राइट ऑफ करोगे। तो एंट्री क्या होगी? राम का कैपिटल डेबिट, लक्ष्मण का कैपिटल डेबिट
भरत का कैपिटल डेबिट टू क्या बेटा, टू गुडविल। कितनी गुडविल है? 180,000। 180 को 6 से डिवाइड कर दो, बताओ क्या आएगा? 30,000, 60,000 और 90,000। बोलो ये सुन लो, अभी जो नई गुडविल है इसके लिए एंट्री क्या होती है? इसके लिए एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या होती है? गेनिंग टू, तो आर एल और भरत क्रेडिट करोगे किसमें? 3:2:1 में। 252 डिवाइडेड बाय 6 ये 42,000 आ गया। 42 84 और 126 डेबिट कर लोगे न्यू में, और न्यू कितनी है? 2:0:1 तो कर लो भाई, 252 को डिवाइड कर लो 3 से, तो 84 0 और 168 खत्म। 84 क्या करना है? 84 क्रेडिट करना है। 42 क्या करना है? 42 डेबिट करना है, और यहां भी 42 क्या करना है? डेबिट करना है। तो नेट क्या बन गया बताओ, देखो एक बार ध्यान से, कौन डेबिट? राम कैपिटल डेबिट, भरत कैपिटल डेबिट टू लक्ष्मण्स कैपिटल अकाउंट। इनको 84,000 देने हैं, 42 इनसे लेने हैं और 42 इनसे लेने हैं। तो इससे मुझे बात समझ आ रही है कि इनके बीच की जो गेनिंग रेशियो है ना वो 1:1 है। कितनी है? 1:1 है। कितनी है बेटा? 1:1 है। कितनी है इनके बीच में जो गुडविल है, कितनी है बेटा? 1:1 है। किसी को कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है? 84,000 रुपीज दोनों 42-42 दे रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों गेन भी कैसे कर रहे होंगे? इक्वली। आप चाहे गेनिंग रेशियो निकाल के देख लो, न्यू माइनस ओल्ड कर लो, तब भी गेनिंग रेशियो 1:1 ही आएगी। अब बिजनेस शुरू हुआ लक्ष्मण के रिटायरमेंट के बाद, पहले साल प्रॉफिट हुआ 1:20 का। ये किसमें गया था बताना? ये पहली एंट्री किसमें हुई थी? ये एंट्री किसमें हुई थी? गेनिंग में। अब पहले साल का प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगी? पीएनएल डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। यही सीखा था फंडामेंटल में, पहले साल का प्रॉफिट पीएनएल से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन से किसमें जाएगा बताओ? क्या राम लक्ष्मण भरत तीनों में जाएगा कि सिर्फ राम और भरत में जाएगा? सिर्फ राम में जाएगा और भरत में जाएगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण तो रिटायरमेंट हो गया, और रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट है 1:20। और ये कौन सी रेशियो बटेगा बोलो? न्यू पीएसआर में बटेगा, और वो क्या है? 2:1। तो 40,000 इसको दे देंगे राम को, और 80,000 किसको दे देंगे? भरत भैया को दे देंगे। कोई डाउट इसमें? कहीं चार एंट्रीज में किसी को डाउट है मेरे बेटा? कहीं चार एंट्रीज में किसी को डाउट है क्या? क्या हम आगे चल सकते हैं आप लोगों के साथ?